प्रिय देशवासियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब एक दिलचस्प खबर पर मेरा ध्यान गया। ये खबर है हमारे सुरक्षा बलों के दो जांबाज किरदारों की, एक है सोफी और दूसरी विदा। सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। सोफी और विदा को यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने ही बम धमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिशों को रोकने में ऐसे डॉग्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉग्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने को मिला, कई किस्से भी सुने। एक डॉग बलराम ने 2006 में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारूद खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईडी खोजा था। आईडी निकालने के दौरान आतंकियों ने विस्फोट कर दिया और स्वान शहीद हो गए। दो तीन वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ का स्निफर डॉग क्रैकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा, जिसमें बीड पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है। कहीं भूकंप आने पर, इमारत गिरने पर मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राज पलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। पिछले कुछ समय में आर्मी, CISF, NSG ने मुधोल हाउंड डॉग्स को ट्रेन करके डॉग स्क्वाड में शामिल किया है। CRPF ने कोम्बाई डॉग्स को शामिल किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी भारतीय नस्ल के डॉग्स पर रिसर्च कर रही है। मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए, आप इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है।